बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान। नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी माय डॉक्टर एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। आज इस सेक्शन में हमारे साथ हैं वर्ल्ड रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जो हैं वो 41 ईयर अबाउट इसमें न्यूरोलॉजी में अपनी सेवा दे रहे हैं, उसके साथ साथ रिसेंटली ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द ट्रस्टी ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन न्यूरोलॉजी। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर आर नागपुरियंस कि आप इतने वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे आप एक ट्रस्टी के तौर पर प्रेजेंट करेंगे। न्यूरोलॉजी जो है और कहीं ना कहीं ये जो WFN है, ये WFN के बारे में कुछ बताएं। अच्छा, ये WFN है ना, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जी। तो ये एकेडमिक्स, जो न्यूरोलॉजी का एकेडमिक्स है, उसका सबसे बड़ा और ओनली बॉडी है वर्ल्ड में। ओके। और उसके 123 कंट्रीज मेंबर हैं। अच्छा। तो ये 123 कंट्रीज जो डिफरेंट रीजन्स के हैं, तो उसका जो ये है ऑर्गेनाइजेशन है वो सब संभालते हैं। और 123 कंट्रीज में क्या रिसर्च करना है, क्या प्रोग्राम करना है, उसका हर दो साल में एक वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी होता है। अच्छा। अलग अलग रीजन्स में तो रिसर्च कैसा क्या करना है, पब्लिक एजुकेशन क्या करना है, ना जितनी भी न्यूरोलॉजी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी करती है। ओके डॉक्टर, न्यूरोलॉजी ये टर्म अगर डिफाइन करें और एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आपसे जाने, क्योंकि आपका सफ़र बहुत लंबा रहा है इसमें, न्यूरोलॉजी टर्म को किस तरह डिफाइन किया जाएगा? अच्छा, न्यूरोलॉजी यानी जो ब्रेन के जो डिसीजेस हैं तो उससे रिलेटेड है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है जी। कि न्यूरोलॉजी यानी क्या, साइकियाट्री यानी क्या, न्यूरोसर्जरी यानी क्या। वेरी ट्रू। तो ये बहुत जरूरी है कि समझना जी। तो जैसे हम न्यूरोलॉजी के बारे में करते हैं, तो जो ब्रेन के डिसीजेस है जी। तो जैसे सर दर्द है, माइग्रेन है, इपिलेप्सी यानी मिर्गी जिसको हम कहते हैं, फिर स्ट्रोक है, बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट है, फिर पार्किंसन डिसीज है, मेमोरी लॉस जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, तो ये ब्रेन से रिलेटेड है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो और भी काफ़ी सारे डिसीज है, इन्फेक्शन है ब्रेन के अंदर में, जो इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेन की TB हो जाता है, वायरल इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, तो और कोविड के कारण ब्रेन के ऊपर असर हो जाता है, तो मायस्थेनिया ग्रेविस है जी। तो ये ब्रेन के डिसीजेस है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के डिसीजेस है, जैसे हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है जी। मसल के डिसीजेस है जिसको हम मायोपैथी कहते हैं, फिर नर्व्स के डिसीज है जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, फिर जैसे मायस्थेनिया वगैरह जैसे डिसीज है, तो काफ़ी सारा एक्सटेंसिव ये है जो ब्रेन और उसके जो रिलेटेड रीजन्स है उसको अफेक्ट करता है जी। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का कि उसी से हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं पूरा यानी हम बोलते हैं ना कि वी आर हियर बिकॉज ऑफ अवर ब्रेन एक्चुअली, कि हमारा जो पर्सनालिटी है, हम जिस तरह से बात करते हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस है, वो सब ब्रेन के कारण है। हमारे जो भावनाएं हैं, जो हमारा क्रिएटिविटी है, जो हम जो कुछ भी करते हैं, हम एक्टिंग करते हैं, गाने गाते हैं, तो वो सब वही ब्रेन से एक्टिवेट होता है। कॉमनली अगर डिसऑर्डर्स देखें तो कौन से पाए जाते हैं डॉक्टर? जो सबसे कॉमन है वो हेडेक और माइग्रेन है जी। वो करीब करीब लेडीज में 15-20% लेडीज में को अफेक्ट करता है। अच्छा, और यंग वुमन। फिर दूसरा कॉमन है इपिलेप्सी, जो 1000 में से 6 लोगों को इपिलेप्सी या मिर्गी हो जाता है। ओके, ओके। और फिर स्ट्रोक, पैरालिसिस। हाँ, हाँ। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। यानी पैरालिसिस है, मेमोरी है, तो आफ्टर द एज ऑफ 60 अबाउट 25% लोगों को समटाइम इन योर लाइफ टाइम यू विल आइदर सफर फ्रॉम स्ट्रोक और डिमेंशिया और पार्किंसन डिसीज। तो या इतना कॉमन है। okay. और उसके ऊपर
ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। वर्ल्ड वाइड रेशियो अगर देखें डॉक्टर, क्योंकि हाँ। कहीं ना कहीं अब बाहर की जो समस्याएं थी वो अब हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं आ चुकी हैं, एंड द रेशियो इज वेरी, अगर वर्ल्ड वाइड रेशियो न्यूरोलॉजी की बात करें तो किस तरह का है? हाँ, तो वो कुछ कुछ जो डिसीजेस हैं वो अपने यहाँ यंग जनरेशन में काफी कॉमन है। तो जैसे स्ट्रोक है तो वो यंग जनरेशन में इंडिया में बहुत कॉमन है, तो उसके भी काफी सारा रिसर्च है और उसके कुछ कारण है कि इंडिया के यंग लोगों में क्यों होता है। तो बाकी जो डिसीज है, डिफिशियंसी डिसीजेस है, जैसे विटामिन B12 डिफिशियंसी हो गई, तो जो डाइट रिलेटेड डिसीज है वो अपने डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया में अंडर डेवलप कंट्रीज में बहुत कॉमन है। जो इन्फेक्शंस है तो वो अपने, जैसा ब्रेन का ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रेन का मलेरिया है या वायरल इन्फेक्शंस है, वो डेवलप कंट्री के बदले अपने इंडिया में या अंडर डेवलप कंट्रीज में बहुत कॉमन है जी। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या आ जाती है, और जब न्यूरोलॉजी की बात आती है, जब ब्रेन समस्या है, तो हाँ। आजकल लोगों में ये चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। अगर हम स्ट्रेस की बात करें, एंजाइटीज़ हाँ। की बात करें, हाँ। छोटे से छोटी जनरेशन भी, टीनेजर्स भी कहते हैं मुझे बड़ा स्ट्रेस हो चुका हाँ। है, मुझे बड़ी एंजाइटीज़ हो रही हाँ। हैं। ये एंजाइटी शब्द तो बहुत कॉमन सा हो गया है, एज इन जैसे कोई फैशन हो। बट डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ कि इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक जो तादाद है वो बढ़ती जा रही, तो क्या न्यूरोलॉजी के जो ये जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, ये इसके पीछे का फॉरमोस्ट रीजन क्या कह सकते हैं? अच्छा, उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो मैं जब कहता हूँ कि अभी अपने यहाँ ये चीज़ें कॉमन क्यों हैं या न्यूरोलॉजी का, तो ब्रेन जो है ना, वो ब्रेन को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो ब्रेन हेल्थ के बारे में अपना जो अटेंशन है वो थोड़ा कम होता है ऐसा लगता है। अच्छा। तो उसके तरफ अटेंशन देना बहुत जरूरी है। तो यंग जनरेशन में क्या प्रॉब्लम्स है? आज यंग जनरेशन जो है वो, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, दूसरा ऐसा है कि यंग जनरेशन में पार्टी कल्चर काफी आ गया है, बैड हैबिट्स लड़कों में, लड़कियों में, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, पहले लड़कियों में नहीं था अपने कंट्री में, अभी बढ़ गया है। तो क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हमको पता है कि कि ये बढ़ गया है। फिर जो स्लीप का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आज जो स्टूडेंट्स है, यंग जनरेशन है, वो लेट सोते हैं, लेट से उठते हैं, उनका बहुत इरेगुलर स्लीप्स है, साइकिल चेंज हो गया है। फिर डाइट उनका काफी खराब है, तो वो फास्ट फूड, जंक फूड, ये इसमें तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो डाइट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सा डाइट अच्छा है। फिर जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है, कॉम्पिटेटिवनेस काफ़ी बढ़ गया है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि तुमको अचीव करना है तो थोड़ा स्ट्रेस चाहिए कि हमको। मगर अभी जो यंग जनरेशन है या आम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जी। और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आजकल जब भी टाइम मिलता है जो आउटडोर गेम्स होते हैं ना वो एकदम कम हो गए। अभी जब भी जिसको टाइम मिलता है वो अपना मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके, टीवी, पहले टीवी था, आजकल मोबाइल और लैपटॉप पे बैठे रहते हैं देर तक, उससे प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। और एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंस है वो दोनों एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज, तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो हम यदि रेगुलर करते हैं तो तुम्हारा डिमेंशिया जैसे जो बीमारी है जो बाद में आने वाली है, स्ट्रोक, तो उसका परसेंटेज 30% से कम हो जाता है जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वैसे जैसे फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे मेंटल एक्सरसाइज कि आप लोगों को, हमको, सब लोगों को अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ में ध्यान देना है, हॉबीज डेवलप करना है, ब्रेन की एक्सरसाइज जैसे पजल्स डेवलप करना है, नई चीज़ें सीखना है, नई लैंग्वेज सीखना है। तो बहुत से बार क्या होता है कि लोग रिटायर हो जाते हैं और अभी उनको कुछ नहीं है, पहले बहुत एक्टिव थे, अभी रिटायर हो गए तो उनको डिप्रेशन आ जाता है। तो ये लोगों के लिए या हर एक चीज, जो आदमी है, इंसान है, एनी एज है, तो हमको
फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तो जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ सुधा चंद्रन का, वो एक डांसर थी, तो 15 साल की जो थी तब उसका उनका एक्सीडेंट हो गया एंड शी लॉस्ट वन लेग। अभी यदि जनरल लोगों को क्या लगता है कि अभी मेरा एक पैर चला गया मेरा एक्सीडेंट में, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, तो उसने आर्टिफिशियल लेग से के साथ डांस किया और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सीडेंट होना और मेरा पैर जाना ये मेरे लिए इट वॉज अ बून, क्योंकि मैं यदि डांस करती थी तो मैं बाकी लोगों जैसी एक रहती थी, अभी मैं लाखों में एक हूँ क्योंकि मैं एक आर्टिफिशियल लेग से डांस करती हूँ। और उसने पूरा करियर अपना डांस में फॉलो किया, तो दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे बाबा आमटे हैं, उनके स्पाइन के ऊपर 30 ऑपरेशन हो गए और वो एक तो खड़े रह सकते थे या लेटे रह सकते थे, बैठ नहीं सकते थे ज्यादा देर तक, मगर उन्होंने इतने साल तक सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, एक सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ खड़ा किया और जो बहुत लोग थे उपेक्षित लोग थे समाज के, लिप्रेसी के पेशेंट्स बाकी लोगों को, उनको एक नया जीवन का जो एक नया लाइफ दिया। तो ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। बहुत बेहतरीन कहा डॉक्टर मेश्राम आपने कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, जो हम बहुत लैक करते जा रहे हैं। मैंने हमेशा ये देखा है एज इन इतने साल से मुझे काम कर रही हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि हमें टेंशन हो गया है, तो एक वाजिब था कि अब एक उम्र आ गई है और बहुत सी चीज़ों का एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन आजकल छोटा बच्चा, हमारे बच्चे कहते हैं कि मम्मा हमें बहुत टेंशन है। ये जो है, ये जो टाइम गैप इतनी जल्दी भर गया है, एंड अब ये जो काल आया डॉक्टर मेश्राम कोविड का, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, इस पैंडमिक ने बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ा दिए इस चीज के लिए, क्योंकि वो एक बंद हो गए एंड दे didn't have work to do, that was a stress level, the stress level got increasing day by day. तो ये जो था, क्या लगता है आपको? नहीं, ये बहुत, ये जो जिस तरह के pandemic आते हैं तो ये बड़ी unfortunate चीज़ है। अभी ये pandemic जो है 100 साल के बाद आया जी, जो एक pandemic आया था 1918-19, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी, उसके बाद में बहुत आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे। तो ये जो पैंडेमिक आया अभी 100 साल के बाद में, जो जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया, और अभी ये कब रुकने वाला है ये भी हमें पता नहीं। फर्स्ट वेव आ गई, सेकंड वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई, अभी कुछ कंट्रीज में फोर्थ वेव की बात चल रही है, तो वैक्सीनेशन हो गया, उसमें जो बच्चे हैं वो तो घर में है, स्कूल्स बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए जी। और उसके कारण यदि तुम एक चार दीवारों के अंदर बंद रहते हो जी। और तो उसमें स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है जी। फिर बीमारी हो जाएगी उसका डर उसके कारण बहुत बढ़ जाता है। उसमें ये जो कोरोना पैंडेमिक में है, उन्होंने काफ़ी अपने नियर और डियर लोगों को मिस लूज कर दिया, यानी बीमारी हो गई, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो गए उसको, कुछ लोगों को जिनको सीवियर बीमारी हो गई, उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है अभी हमको पता नहीं कि कुछ साल के बाद में क्या होने वाला है जी। जैसे पहला जब पैंडेमिक आया था तो काफ़ी सारे लोगों को पार्किंसन जैसी बीमारी हो गई थी, मेमोरी लॉस हो गया था जी। अभी भी हम देखते हैं कि मसल एक्स, बॉडी पेन, मेमोरी लॉस, ऐसे हम पेशेंट्स जिनको कोविड हो गया उनको देखते हैं। तो ये जो एक घर में रहना, बीमारी का डर, उसके कारण ये जो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया और एंग्जाइटी बढ़ गई, तो ये कोविड के कारण ये बहुत लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो गया है जी। और बच्चे भी बोलते हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। एक्चुअली और कहीं ना कहीं चीजें बदल सी गई, लाइफस्टाइल भी वो बदल गई। एक टाइम था जब हम अपने काम पे जाते थे तो हमारा वो एक एक्सरसाइज हो जाता था एज एनी इन एनी फील्ड। बच्चे जो थे वो स्कूल जाते थे, खेलते थे, बट अब बच्चे ऑनलाइन, सोशल इंटरेक्शन एकदम ही कम हो गया। तुम्हारे घर में कोई आता नहीं, आप किसी के घर नहीं जाते हो, किससे मिल नहीं सकते। और बच्चे को हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल देते थे, अब तो पूरा टाइम उसे मोबाइल देना पड़ रहा है, बिकॉज एक मजबूरी बन गई है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले,
खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। कोविड भी ऐसे सिम्टम्स थे जो ब्रेन से रिलेटेड थे एंड वो अब बहुत बढ़ गए हैं, तो इस पे आपके पास तो रेगुलर इतने पेशेंट्स आते होंगे, हाउ वाज दैट सीन? अच्छा, वो कोविड होने के बाद में जैसे हमने देखा कि नसों में कमजोरी आ जाती है। अच्छा। जिसको हमें गुलन बैरी सिंड्रोम करके बोलते हैं। ओके। तो ये एक बीमारी है। फिर कोविड जिनको होता है उसमें कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं कि ब्लड क्लॉट जल्दी हो जाता है, तो या कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो पैरालिसिस के अटैक कोविड के बाद में काफी बढ़ गए हैं। फिर नसों की कमजोरी के काफी न्यूरोपैथीज हो गई है, काफी लोगों को मसल पेन्स हो गए हैं, तो बॉडी एक मसल पेन्स, मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ कुछ लोगों को पार्किंसन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी ये आने वाला समय बताएगा कि इनके लॉन्ग टर्म क्या सिम्टम्स होने वाले हैं, मगर अभी अपने को कुछ कुछ जो है ये डिसीजेस ज्यादा प्रमाण में जिनको कोविड हुआ है उनमें देखने को मिले। तो ये जो समस्या है पोस्ट कोविड, ये एक लॉन्ग टर्म समस्या है या कुछ दिन की है, ये किस तरह से नहीं अभी डायग्नोस किया गया? हाँ, अभी तो समय बताएगा। जैसे जिनको वायरस की एंट्री हो गई है ब्रेन में, तो उनको लॉन्ग टर्म सिम्टम्स आएंगे। जैसे अच्छा। जिनको वो जो वायरस की एंट्री होती है जनरली वो नाक से होती है, तो उनको बहुत से लोगों को स्मेल का लॉस हो जाता है, टेस्ट का लॉस हो जाता है, या ब्रेन में जिसको ब्रेन फॉग बोलते हैं हम, तो उनको कुछ कोविड के दौरान या काफ़ी सारे लोगों को बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये ब्रेन का जो असर है ना, कि वो वायरस की एंट्री हो जाती है और उसमें जो ब्रेन के इसमें ब्रेन का जो पार्ट है कुछ पार्ट में वो इफेक्ट कर देते हैं। तो ये भी समझा जाता है कि जो सांस की तकलीफ होती है या पेशेंट को वेंटिलेटर लगाना पड़ता है कोविड के टाइम में, जो सेकंड वेव में बहुत देखने को मिल गया, तो वो चेस्ट के कारण भी हो जाता है इन्फेक्शन, या ब्रेन को इफेक्ट होने के कारण भी ऐसा देखने में आया है कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये हो जाता है, कुछ लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम हो जाते हैं। जी, तो डॉक्टर, ये सारी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज हेल्थ इशू, ब्रेन हेल्थ इज अ टॉपिक विच शुड हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, हमें बात करनी बहुत जरूरी है, इस पे अप्रोच करना बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि इतना अवेयरनेस होने के बाद भी देर आर स्टिल पीपल हु डोंट अप्रोच डॉक्टर अर्ली, और उससे जो समस्या है वो बहुत ज्यादा विकट हो जाती है। तो इस पे व्हाट डू यू हैव टू से? तो दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो अर्ली डायग्नोसिस, वेरी ट्रू, और दूसरा है कि डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचना, जी, और तीसरा है कि
प्रिवेंशन कैसे करना। तो बहुत से लोगों को ये गलत धारणाएं होती है तो उसके कारण वो डॉक्टर से के पास जाते नहीं है। जैसे मिर्गी की बीमारी है तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मिर्गी देवी देवता या बाहर का कुछ है उसके कारण मिर्गी आती है। तो हमारा जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी में ऐसा देखा गया है कि ये मिर्गी ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट कर सकते, प्रिवेंट कर सकते, मगर दवाइयाँ अपने पास अवेलेबल हैं। मगर 80% जो लोग हैं पुअर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, पुअर कंट्रीज हैं, उसके 80% लोग आज ट्रीटमेंट में नहीं है क्योंकि ये गलत धारणाएं कारण, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है। अभी 14 फरवरी को इंटरनेशनल इक्लिप्सी डे था। अच्छा। तो हमने इक्लिप्सी के बारे में काफ़ी लोगों में अवेयरनेस किया, नेशनल लेवल पे हमने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके कि ये जो है ये ब्रेन की बीमारी है उसको ठीक हो सकता है। उसको उसके पीछे क्या है, सोशल स्टिग्मा हो जाता है कुछ लोगों में, तो सोशल स्टिग्मा के कारण वो लोग छुपा के रखते बीमारी, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते कि बाकी लोगों को पता चल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको डॉक्टर को कंसल्ट करें, रेगुलर मेडिसिन ले। फिर अपने यहाँ मॉस्किटो रिलेटेड काफ़ी डिसीजेस हैं, तो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये ब्रेन इफेक्ट करते हैं, ब्रेन को इफेक्ट करती है। तो जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो गया, जीका वायरस के इन्फेक्शन हो गए, तो ये जो मॉस्किटो रिलेटेड जितने डिसीजेस हैं ये प्रिवेंट कर सकते हैं, हमको उसके तरफ ध्यान देना है। ये फाइलेरियासिस है, तो ये सब जो जितने डिसीजेस हैं उनको अपने को ध्यान देना है कि मॉस्किटो की संख्या यदि कम कर सकते तो उसके ऊपर जो उपाय है वो करना है। फिर जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है पैरालिसिस है, तो आप यदि इमीडिएट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं। कुछ कुछ दवाइयाँ हैं वो पिछले कुछ 3-4 घंटे में ही दे सकते हैं, जैसे क्लॉट डिजॉल्विंग जो मेडिसिन है। आप यदि लेट गए तो कोई फायदा नहीं। तो बहुत से लोग जो है वो हम गाउठी दवाई कर लेते, ये दूसरे की दवाई कर लेते, बाहर के जो क्वैक्स हैं उनकी दवाई कर लेते और कुछ मालिश कर लेते, उससे ठीक हो जाएगा। तो ये जो लोगों को अवेयरनेस करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये पिछले कुछ सालों से मैं ये अपने इंडिया की जो नेशनल बॉडी है न्यूरोलॉजिस्ट की, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, मैं उसका पब्लिक एजुकेशन का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। तो वो मैं पूरे देश में ये जो प्रोग्राम है लोगों को अवेयर करना ब्रेन की बीमारी के बारे में, ये उसका कार्य काफ़ी सालों से चल रहा है। तो ये लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंट करने के लिए वो डाइट, लोग हम अपने डाइट की तरफ ध्यान देते नहीं हैं, तो वो डाइट की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज यंग स्ट्रोक जब मैं कह रहा था तो क्यों होता है, जैसे प्रिवेंशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारा जो शुगर डायबिटीज़ है उसको अच्छे से कंट्रोल रखो, ब्लड प्रेशर है। तो बहुत से लोगों को क्या होता है कि वो चेकअप नहीं कराते हैं कि ब्लड प्रेशर है, उसकी मेडिसिन लेते नहीं है, चेकअप नहीं करते। तो 40 साल के बाद में हर एक ने चेकअप करना चाहिए कि मुझे शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ओबेसिटी, रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। और यदि वो पता चलता है कि अपने को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, तो उसकी तरफ ध्यान देना, उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा देश जो है ना वो डायबिटीज़ का कैपिटल हो गया वर्ल्ड, और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ओबेसिटी जो दुनिया में है आज बहुत बढ़ गई है, यानी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं तो वो 70-80% में अमेरिका में, इंग्लैंड में, अपने इंडिया में भी बहुत ओबेसिटी यंग जनरेशन में बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हम जो है गलत डाइट लेते हैं। तो बहुत से लोगों को डाइट क्या लेना है पता नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने यहाँ के दो दुश्मन हैं अपने हेल्थ के, दो सफ़ेद सब्सटेंसेस, एक शुगर और दूसरा सॉल्ट। तो जो शुगर कंटेंट है वो अपने को जितना कम कर सकते हैं वो या नहीं कर सकते हैं वो बहुत हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा है, जो सीरियल्स है,
हमारा डाइट क्या है, राइस चपाती और सब्जी दाल, तो ये जो है राइस और चपाती दोनों हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, उनका प्रमाण कम करना चाहिए। हमें ये मालूम नहीं होता है कि खाने में कब खाना है, कैसे खाना, कितना खाना है और क्या खाना है। तो हम बहुत बार दिन भर खाते रहते हैं, बहुत से बच्चे ओबेसिटी क्यों होती है तो वो बार बार खाते रहते हैं। जब हम खाते हैं, हर बार जब खाते हैं तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, और जब इंसुलिन रिलीज होता है तब वो जो इंसुलिन हम कहते हैं कि ये फैटनिंग हार्मोन है, तो ये फैटनिंग हार्मोन जो है जब भी इंसुलिन रिलीज हो जाता है तो वो जो ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, बॉडी में डिपॉजिट कर देता है, उसके कारण ओबेसिटी बढ़ती है। तो इसलिए हमको दिन में दो ही बार खाना चाहिए, जो कुछ भी खाना है वो दो बार खाओ। जब हम, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं दो बार खाता हूँ मगर मैं दो तीन बार चाय पी लेता हूँ, तो यदि आप चाय पीते हैं तो वो भी खाना हो गया, क्योंकि इंसुलिन रिलीज होगा। फिर हम बीच में नाश्ता कर लेते हैं या फिर दोपहर की चाय ले लेते हैं, फिर सोने के पहले कुछ लोग दूध ले देते, तो इनफैक्ट दो बार खाना खा लेते हैं मगर ये सब मिला के 7-8 बार खाना हो जाता है। तो उसके कारण जो है वो पहले के जमाने में जो होता था ना कि लोगों को खाने के लिए नहीं रहता था, आज अपने पास बहुत सी चीजें, और जो चीजें अवॉइड करना है, जो केक्स है, कुकीज है, पेस्ट्रीज है, पिज्जा है, जो जितना भी बाजार से मिलता है, बिस्किट्स है, जो पैक्ड फूड है, पैकेज फूड है, फास्ट फूड है, ये सब चीजें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो हम जब भी ये इसका कंटेंट हमारे डाइट से कम कर देंगे, ऑयल लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा ऑयल यूज करना है, तो जो भी वेजिटेबल ऑयल्स है वो बैड है। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता, हमारे पेशेंट्स पूछते कि हम कौन सा ऑयल यूज करते हैं, तो बोलते कि हम सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं, राइस ब्रैन ऑयल यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, वो हेल्थ के लिए खराब है, उनको बंद कर देना चाहिए। ऑयल कौन से अच्छे हैं, बटर अच्छा है, घी अच्छा है, शुद्ध देसी घी, वनस्पति घी नहीं, देसी घी, फिर कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, और अनरिफाइंड जो ऑयल है, जो फ्लैक्सीड ऑयल है, जवस का तेल जिसको हम बोलते हैं, वो अच्छा है। फिर अनरिफाइंड जो घानी का तेल बोलते हैं, कोको ग्राउंड नट ऑयल, वो अच्छा है। तो ये इसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। और जब भी हम कम बार खाना खाते, या जिसको हम पहले फास्टिंग का बड़ा इम्पोर्टेंस था अब हमारे पूर्वजों में, तो वो अभी नया जो ट्रेंड आया है उसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो यदि हम सुबह 11 बजे खाना खाते हैं और शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, तो शाम को 7 बजे से दूसरे दिन 11 बजे तक एक 16 घंटे का फास्टिंग का पीरियड होता है। तो ये यदि आप फॉलो करते हैं कि उसके बीच में कुछ नहीं खाना है जी। तो तुम्हारा हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा, डायबिटीज तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा। मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, सिर्फ डाइट पे डायबिटीज उनका कंट्रोल हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप का डाइट का जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे डाइट्स में आप वेजिटेबल्स का जो प्रमाण है ना वो बढ़ा दो, ग्रीन वेजिटेबल्स या कोई भी वेजिटेबल्स वो बढ़ा दो, नट्स है जैसे केशू नट्स है, बादाम है, पिस्ता है और ग्राउंड नट है, ये जो नट्स है इसका प्रमाण ज़्यादा होना चाहिए, यानी रोज लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। आप 4-5 पिस्ता ले लो, आप 4-5 बादाम खा लो, 2 काजू खा लो, अखरोट खा लो, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर एग्स है, जो नॉन वेज खाते हैं वो एग्स बहुत अच्छे हैं, और एग योग के साथ खाना चाहिए, रोज 2 अंडे खाना चाहिए, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो जिनको नॉन वेज पसंद है वो थोड़ा चिकन थोड़ा मटन वो खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, फिश बहुत अच्छा है, तो पनीर बहुत अच्छा है। तो हमारा जो डाइट है ना, तो वो उसमें राइस और चपाती कम करके वेजिटेबल्स को बढ़ाना है, और अच्छा ऑयल यूज़ करना है, तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कितना खाना चाहिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको जितना लगता है, आपको आपकी बॉडी पता है, तो उतना आप खाइए।
इतना खाइए कि नेक्स्ट जो टाइम का खाना खाने का जो टाइम है तब तक आपको भूख लगना चाहिए। तो यदि भूख नहीं लगती है तो इसका मतलब आप ज्यादा खाते हैं। अच्छा, तो उसको कंट्रोल करो। आप जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि 3800 BC, अच्छा, तो वो इजिप्ट में एक इंस्क्रिप्शन मिला। हाँ। तो उसमें ऐसा लिखा था कि आपके हेल्थ के लिए, आपके अच्छे रहने के लिए 20 आप जितना खाते हो उसका 25% जरूरी है, और बाकी का जो ज्यादा खाते हैं वो आप डॉक्टर्स के लिए खाते हैं क्योंकि आप बीमार पड़ते हो। What a wonderful example. तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप जितना खाते हो उसका 24-25% खाओ, मगर आप जितना खाते हो वो इतना खाओ कि नेक्स्ट टाइम भूख लगना चाहिए। तो तीनों चीज पे ध्यान देखना है, हम कब खाते हैं, क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो इससे ना वो ब्रेन की डिसीजेस जो है या शरीर की कोई भी डिसीजेस है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, तो ये हम पैरालिसिस है, ये प्रिवेंट कर सकते हैं। I never knew that a neurologist will be discussing so much informative knowledge about diet, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ब्रेन इज ऑल अबाउट कि वहाँ दवाइयाँ जरूरी है, वहाँ सर्जरी इज इम्पॉर्टेंट, बट एक न्यूरोलॉजिस्ट से इतनी अच्छी डाइटरी इन्फॉर्मेशन मिलना इज वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो आजकल की जनरेशन है डॉक्टर, अब मोबाइल फोन्स है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इस पे, तो मोबाइल को तो मैं बोलता हूँ साइलेंट किलर है क्योंकि वो तुम्हारी क्रिएटिविटी किल करता है, तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। और बच्चों में यदि देखा है, देते हैं तो पेरेंट्स क्या होता है कि बच्चा कुछ कर रहा है उसको बिजी रखना है, एंगेज रखना है, तो उसको मोबाइल दे देते हैं, तो बच्चों का जो स्कल है ना वो बहुत थिन होता है और जो ब्रेन है वो क्रिएटिव होता है, तो उसको मोबाइल देने से उसके जो रेडिएशन होता है, क्योंकि मोबाइल में रेडिएशन होता है, उसका ब्रेन के ऊपर बैड इफेक्ट होता है। तो ये बहुत जरूरी है, हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रेन इज ए साइलेंट किलर। हाँ, क्योंकि तुम्हारी क्रिएटिविटी किल करता है, कुछ साल के बाद में पता नहीं कि ब्रेन के क्या क्या, ब्रेन के ऊपर हमने देखा है कि जो ज्यादा मोबाइल यूज करता है उनको हेडेक और माइग्रेन भी हो जाता है। फिर कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि आगे चल के ज्यादा एक्सेस यूज करने से ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं। तो मैं इसी पे आ रही थी कि ये जो है ये चीजें अब जरूरी हो गई हैं। हाँ, अब ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, बट ये जो टर्म था, ये जो पीरियड था, यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो गया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। इस पे आ जाती है माइग्रेन और हेडेक की इशू जो आज के टीनेजर्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके लिए क्या डॉक्टर मेडिकेशंस ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है या फिर हम इसको डाइट्री से भी कनेक्ट कर सकते हैं? तो माइग्रेन और हेडेक है ना, तो दो, तो एक तो टेंशन हेडेक होता है, तो हमको स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस कम करने के लिए पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, मेंटल एक्सरसाइज रखना है, अपने आप को बिजी रखना है। तो जितना आप ब्रेन को बिजी रखोगे उतना अच्छा है। और फिर जो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए मेडिटेशन करो, योगा करो, और वो कर सकते हैं, आसान है, रेगुलर एक्सरसाइज करो, तो उससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। फिर जो माइग्रेन है, तो उसमें कुछ कुछ लोगों को माइग्रेन जो फूड के जो एटम्स है उससे ट्रिगर हो जाता है, जैसे अल्कोहल है, और मैं डाइट में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बताना रह गया कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसमें ज्यादा स्वीटनर होते हैं, वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न शुगर होती है उसमें, उसके कारण वो बहुत हेल्थ के लिए बहुत खराब है। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, टोबैको है, स्मोकिंग है, उससे माइग्रेन प्रिवेंट हो जाता है। जिनको माइग्रेन है उन्होंने बनाना अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर मील्स लेना चाहिए, लेट नाइट्स नहीं रखना चाहिए, और चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, पनीर, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो हर एक का जो ट्रिगर है माइग्रेन का, तो उसको पता है कि क्यों हो जाता है। रात को लेट तक सो गए, ज्यादा देर तक मोबाइल देख लिए, टीवी देख लिए, या ब्राइट लाइट्स देख लिए, डांस के लिए चले गए, या चाइनीज फूड खाते हैं, तो चाइनीज फूड से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है।
तो ये अवॉइड करना है, सबका अलग अलग है। तो हर एक को, कुछ कुछ लोगों को मेंस्ट्रुएशन के टाइम में लेडीज में अक्सर माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, कुछ लोग जो बाल धो लेते हैं और जो बालों को गीले रखते हैं, ये इंडिया में बहुत कॉमन है, तो वो उससे माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना है कि क्यों ट्रिगर होते हैं। और यदि बार बार माइग्रेन होता है, जैसे महीने में 2 बार 3 बार 4 बार होता है, कुछ कुछ लोगों को 7-8 बार भी हो जाता है, 10 बार हो जाता है, तो उनको रेगुलर मेडिसिन लेने की जरूरत है। जिनको कम बार होता है तो उनको हम बताते हैं कि आप जिस चीज़ से माइग्रेन होता है उसको आप अवॉइड करो, खाने की तरफ ध्यान दो, और जब भी माइग्रेन होता है तो उस टाइम मेडिसिन लेने के लिए हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ओके डॉक्टर, जाते जाते आप क्या हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज आर हेल्थ। तो हमारा जो ये है कि योर हेल्थ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी जो हेल्थ है वो आप गवर्नमेंट की तरफ मत देखो कि ये गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फैसिलिटीज देना चाहिए। तो हमारी हेल्थ है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखें एज ए बॉडी एज ए ब्रेन, क्योंकि ब्रेन अपने बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम जो है वो ब्रेन के कारण है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो ब्रेन के कारण है। आपका ब्रेन यदि अफेक्ट हो गया तो सब चला गया, ब्रेन है तो सब कुछ है। तो ऐसे बोलते हैं कि सर सलामत तो पगड़ी पचास। तो हमको ब्रेन को हेल्दी रखना है, इसलिए हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप रेगुलर एक्सरसाइज किए, आपका डाइट अच्छा रखे, आप बैड हैबिट से बचे रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, और रेगुलर स्लीप बहुत जरूरी है, टाइमली स्लीप करो, और आपके लाइफ में एक रेगुलरिटी रखो, यानी हर एक चीज़ का टाइम रखो कि हमको रोज एक्सरसाइज करना है, हमको रोज ब्रेन को बिजी रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, लोगों से मिलना है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना है, हॉबीज की तरफ ध्यान देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वर्कोलिक होते हैं, तो आप 24 घंटे अपने काम में नहीं रह सकते। तो आप, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आप 80% आपके काम में ध्यान दो, 20% आप अपने लिए समय निकालो। तो जो अपने लिए आपके क्रिएटिव, जो आपके हॉबीज है, आपको अलग अलग करना है, जो आपके मूवीज देखना है तो पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, किताब पढ़ना है, अलग जो कुछ भी करना है, लोगों से मिलना है, गाने गाना है, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखना है, तो आप उसमें आप उसके तरफ अपना समय देना बहुत जरूरी है। तो उसके कारण हम अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि ये लेट आउट रखना करना कि अपने मन में जो बातें हैं वो बहुत जरूरी है, कि उसके लिए हमको उनके तरफ ये बहुत ध्यान देना है। तो ये सब हम चीजें करेंगे, और स्पेशली जो बैड हैबिट्स है, अल्कोहल है, टोबैको है, तो हमको एक तो ये मूवमेंट चलाना चाहिए कि ब्रेन हेल्थ की और अच्छे लाइफस्टाइल की। तो ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट चलाना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेश्राम, आपकी सारी जानकारी के लिए और सारे प्रेशियस टाइम के लिए। सो मैं यही कहूँगी जैसे डॉक्टर मेश्राम ने कहा कि माई हेल्थ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर हेल्थ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी इन शब्दों में ही सब कुछ समा जाता है। वॉट यू ऑल नीड इज़ अ परफेक्ट डाइट, अ परफेक्ट स्लीप साइकिल, दैट्स इट। ये आप करके तो देखिए आपको कितना सुकून मिलने वाला है। आपके गोल्स, आपके अचीवमेंट्स, आपकी करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट। अगर ये अच्छी रहेगी तो आप अपने गोल्स को, आप अपने करियर को उतना ही अच्छे तरीके से अचीव कर सकेंगे, डॉक्टर के दर्शन थोड़े कम हो जाएंगे। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त, देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार। बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज़ पर।